उनसे कैसे बात करनी है, इसको इमोशंस मैनेजमेंट स्किल कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिस्क्राइब्ड एज मैनेजिंग फीलिंग्स सो दैट दे आर एक्सप्रेस्ड अप्रोप्रिएटली एंड इफेक्टिवली, एनेबलिंग पीपल टू वर्क टुगेदर स्मूथली टूवर्ड्स देयर कॉमन गोल्स। द फोर मेजर स्किल दैट मेकअप इमोशनल इंटेलिजेंस आर सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से आएगी? गोल सेटिंग, पता चलेगा मैं चाहता क्या हूँ जिंदगी में, मैं हूँ क्या। सेल्फ मैनेजमेंट डिसिप्लिन, सोशल अवेयरनेस सोसाइटी की कहाँ काम, रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको पीआर मैनेजमेंट भी आप बोलते हैं। तो ये आपकी इमोशनल, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं तो बड़े से बड़ा वर्बल सेल्फ डिफेंस जो अटैक आएगा ना, अगर आप इमोशनली काम है, ये अगर आप महात्मा बुद्ध की देखें सारी फिलॉसफी मेडिटेशन की, तो इमोशंस को वो सारा हैंडल करते हैं मेडिटेशन में, तबीयत को जितना ठंडा कर सकें। एबिलिटी टू ट्रेन पीपल, यानी आप जब मैनेजर हो जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारियों में सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशनली बोथ के अलावा आपने लोगों को, निचले लोगों को उठा के अपने लेवल तक लेके आना, ताकि जिस तरह हम आपके साथ बिजी हैं, अगर हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन में बिज़ी हो जाएं, आपकी ट्रेनिंग पे ध्यान ना दें, तो शायद जब हमारे पास पोजीशंस क्रिएट हो तो हमारे पास उस पोजीशन पे किसी को रखने के लिए बंदा ही तैयार कौन हो। तो आपको इसलिए भी ट्रेन करें, तो द एबिलिटी टू ट्रेन पीपल, ताकि आप ना सिर्फ खुद ग्रो हों बल्कि अपने साथियों को भी अपने साथ लेके चलें। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क स्किल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कोई 18 स्किल्स हैं, इसमें से जो आप समझते हैं मोस्ट वीक एरिया है वो आप पिक कर लें, या वो एरियाज देख लीजिए जो आप समझते हैं कि जिसमें आपको रहनुमाई की मज़ीद ज़रूरत है वो आप पिक कर लें। तो इसको आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते जाएंगे तो डेवलप होते जाएंगे। इसको ऑफ कर दें जी।